بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا چن دے اٹوٹے کر کے وخاوے پتھران سونا کلمہ پڑھاوے کلمہ پڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بناوے پانی دا برتن چشمہ بناوے ساقی پلاوے ساقی پلاوے کوثر دے جامے سونے نبی دا سونے نبی دا طائف دلوں کا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے بھجیا پیائے پر زخمان دے بدلے دیتا دعائے زخمان دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا محشر نیوکا بخشیش دا موڑے
मैनू डरांदी अमलांदी थोड़े अमलांदी थोड़े कमली वाले दी शिफायत दी लोड़े कमली वाले दी शिफायत दी लोड़े इलियास उस दा जहान उस दा अदना गुलामे सोने नबी दा सोने नबी दा दिल विच कयामे भेजे खुदा खुद दरूदो सलामे सोने नबी दा सोने नबी दा। मुख्तसर हमदो सना और दरूदो सलाम दे बाद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओं और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एहसान अजीम है कि जिस रब्बुल आलमीन ने सानू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। सब तो पहले मैं अपने मालिक व खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इंतहाई ज़्यादा शुक्र गुजार हाँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने अपनी तौफीक खास नाल मैं नाचीज़ इंसान नूं वादा वफा करन दी तौफीक अता फरमाई। उस दे बाद अपने उन अहबाब दा भी शुक्र गुजार हाँ जिन्होंने कुरान और सुन्नत दियां बातां सुनन और सुनाण वास्ते हाजिरी दा मौका दिता। मेरी मुराद मोहतरम भाई राणा रियासत साहब हाफिज़हुल्लाह जिन्हां दी शादी दे मौके दा यह प्रोग्राम और मैं दुआगो हाँ इन्हां दोनों भाइयों की शादी हुई है जिहड़े दो खानदान आपस च मिले ने अल्लाह ताला इन्हां नूं इत्तफाको इत्तहाद दे नाल मुहब्बत और प्यार दे नाल मालामाल फरमावे। शैतान दे शर कोलों खन्नास दियां शरारतां तों फितने फसाद लड़ाई और झगड़ियां तो अल्लाह महफूज फरमाए। इन्हां दे बरादरान और इन्हां दे मामू जान मोहतरम खालिद साहब मोहतरम जितने अहबाब तुसी तशरीफ ले आए हो और बिलखसूस तुहाडी इस मस्जिद दे इमाम व खतीब फाजले नौजवान मोहतरम भाई मोहम्मद जाबर कसूरी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला अल्लाह तमाम दियां मिन्नतां अपनी बारगाह कबूल फरमा ले। मेरे बाद खतीबे पाकिस्तान महबूबे अवाम ललकारे शाहीन हजरत मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दा बड़ा ही जानदार और शानदार बयान होना सी मगर अल्लाह ताला नूं मंजूर इदा आया उन्हां दी अज अमशीरा ही समझ लो उन्हां दी वाइफ दी अमशीरा दी शादी उत्थे ओह निकाह दी वजह करके लेट हो गए मौसम दा तुहानूं पता है तुम दी वजह करके ते उन्होंने बार बार माजरत की इंशाअल्लाह जल्द ही तुहाडा लामा दोबारा आके ला जाए। दुआ करो अल्लाह ताला उन्हां दी मुहब्बत भी कबूल कर। मैं अज दी इस नशिस्त दे अंदर जो मारूजात तुसां अहबाब दे सामने रखना चाहना उन्हों इंतहाई ज्यादा तवज्जो नाल हमद अंगोश होके मुहब्बत हो प्यार नाल समाज फरमा लो। मेरे तो पहले माशाल्लाह तुसीं बड़े ही जानदार और शानदार खिताबात समाज फरमाए मोहतरम भाई राणा रियासत साहब ने भी मुख्तसर मगर बड़ा ही प्यारा खिताब किया। इसी तरह फाजिल नौजवान मेरी जमात दे उभरते हुए बड़े सुरीले खतीब मोहतरम भाई हाफिज अब्दुल कदीर शहीन साहब हाफिज़हुल्लाह उन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज़ नाल तुहानूं कुरान भी सुनाया बयान भी सुनाया अशार भी सुनाया
अल्लाह इस जवान की जवानी अंदर इल्म अमल अंदर जोरे बयान अंदर बरकत फरमाए। मोहतरम भाई उमैर मोहम्मदी साहब ने तुहानू अपनी प्यारी आवाज़ नाल हमदोनात भी सुनाई। हुण जरा दो चार बातां मेरिया भी तवज्जो नाल समाज फरमा लो। मैं जिहड़ी आयते करीमा तुसां अहबाब दे सामने तिलावत कीती है उस आयते मुबारक अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदियां नूं हुक्म दिता है किस बात का? फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्ला। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरा नबी तुहानू जो दे दे वो तुसी ले लिया करो ते जिथों रोक दे उथों रुक जाया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिस बात का तुहानू हुक्म देण उहदे तुसी अमल पैरा हो जाओ और जिस बात तो तुहानू मना कर देण उहदे तो तुसी बाज आ जाणा है वह कम नहीं करना। वत्तकुल्ला अल्लाह की जात तो डर जाओ क्योंकि अल्लाह की गिरफ्त बड़ी मजबूत है मगर ना तुसी अल्लाह की पकड़ च आ जाओ अल्लाह तुहाडे नाल नाराज हो जाए। अल्लाह ताला की रजामंदी का बेहतरीन फार्मूला असी नमाज पढ़ने आ, रोजा रखने आ, हज करने आ, जकात देने आ, जितने भी नेकी दे काम असी करने आ उन्हां दा मेन मकसद ही होंदा है भी किसी तरह साड़ा अल्लाह साड़े ते राजी हो जाए। तुसी हुण वेखो ना सर्दी की शिद्दत दे बावजूद तुसी अल्लाह दे घर तशरीफ ले आयो। मोहतरम भाई राणा रियासत साहब ने बड़ी प्यारी कुरान सुन्नत की मजलिस सजाई और मैं मुबारकबाद देना इन्हां नौजवानों नूं। अज इस दौरे फितन अंदर लोग शादियां ते कंजर नचांदे ने, लोग शादियां ते बड़े बड़े अजीब तरह के मौसीकी दे प्रोग्राम बनांदे ने मगर अल्लाह ताला इन्हां नूं जज़ाए खैर दे। इन्हां ने उलमा नूं बुला के कुरान सुन्नत की मजलिस सजाई। ये बड़ी यकीनन बड़ी सआदत की बात और तुसी खुश नसीब लोग हो अल्लाह के घर च आए बैठे हो और कुरान और सुन्नत दी बातां तुसी समाज कर। ये बात जेन अंदर रखो। अच्छा हर अमल दा इन्होंने प्रोग्राम कराया असी सफर करके आए हाँ तुसी अपने नरम गरम बिस्तर छोड़ के आयो मेरिया मामा भैणा तशरीफ लै करके आईया ने भाई यासर साहब अल बदर वाले फैसलाबाद तो आए ने सौण वाले भाई आए ने सारयां दे इत्थे आण दा मकसद असल च भी अल्लाह राजी हो जाए ते अल्लाह ताला खुद फरमा रहे ने भी अगर मैनू राजी करना जे ना ते फिर एक काम करो। अल्लाह जी वो किहड़ा काम है? अल्लाह फरमांदे ने इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया कुल महबूब तुसी लोगों नूं कह दियो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह जिहड़े चाहुंदे ना भी अल्लाह साडे नाल प्यार करे अल्लाह साढ़े ते राजी हो जाए असी अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाइए उन्होंने फिर तुसी दसो फत्ता बेऊनी वो तुहाड़ी इतबाह करिया करे तुहाड़ी पैरवी करन तुहाड़ा तरीका इख्तियार करन तुहाड़ी सीरत नूं अपना लैन तुहाड़ी सुन्नत नाल प्यार करिया करन तुहाड़ी इताअत अंदर जिंदगी गुजारन ते जेड़े तुहाड़ी मन्नणगे जेड़े तुहाड़ा तरीका इख्तियार करनगे जेड़े तुहाड़ी इताअत करनगे युहिब्बुकुमुल्लाह मैं अल्लाह उन्हां नाल प्यार करांगा मैं अल्लाह उन्हां ते राजी हो जावांगा ते फिर कल्ला राजी नहीं होवांगा वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम मैं इन्हां दे गुनाह भी माफ कर छड़ा। मेरे भाईओ प्रोग्राम का मकसद असल ये भी आप इत्थे इकट्ठे होए आ ते आपां अपनी जिंदगी ते नजर दौड़ानी क्या सी अपनी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दे मुताबिक
और आप दे अहकामात दे मुताबक गुजार रहे हैं। अज बस अज दी नशिस्त च आप इहदे ते नजर दौड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो सानू दिता है उहनूं असीं अपना रहे, जिथों मना किया उथों असीं रुक गए। इन्हां चीज़ां ते अज नजर दौड़ानी आप अज दी गुफ्तगू। तवज्जो है ना, जिन्होंने बहुत ही सर्दी लग रही है या तंग हो या ये कह रहे हो भी मौली साहब ते आए नहीं, जिन्होंने सुनने वास्ते आए थे उन्होंने खुली छुट्टी है, तो बाकी तवज्जो नाल बोलो, बैठोगे ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, खालके कायनात दा कुरान इस बात का ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सीना पाक के कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, ए कमली वालिया सोनिया महबूबा, ऐ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे सोनिया महबूबा ऐलान फरमा दियो, दुनिया वाले नूं पैगाम सुनाओ ना। अल्लाहु अकबर फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। फरमाया, दुनिया कायनात दे लोगो, जो मेरा पैगंबर तुहानू दे दे वह ले लिया करो, जिथों मेरा नबी तुहानू रोक दे उथों रुक जाया करो। अल्लाह की जात तो डर जाओ, अल्लाह की पकड़ तो डर जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने लोगों से नाराज हो जाते हैं जिहड़े मेरे पैगंबर की मुखालफत के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, जिहड़े मेरे नबी का कहना नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की ताबेदारी नहीं करते, अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी नहीं करते। मेरी मजलिस के अंदर जितने तुसी लोग आए हो, कोई बाप है मेरे नबी का तरीका अपनाए वगरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरी मजलिस के अंदर तुसी जिन्ने आए हो, कोई भाई है मेरे नबी का तरीका अपनाए मेरे नबी दी अल्लाह अकबर सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरी मजलिस के अंदर आने वाला कोई स्कूल टीचर है मेरे नबी का तरीका अपनाए, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरी मजलिस के अंदर आने वाला कोई मुदर्रिस है मेरे नबी का तरीका अपनाए, अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर मेरे नबी की सुन्नत को तर्क करोगे, मेरे नबी का तरीका नहीं अपनाओगे, मेरे नबी की इताअत के अंदर मेरे नबी की फरमा बरदारी अंदर जिंदगी नहीं गुजारोगे, फिर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारहा मुकाम आपते मैनू तेनों इस बात का दरस दे रहे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ईमान वाले हो जेड़े अल्लाह की रबूबियत अल्लाह की वहदानियत ते ईमान लै करके आए ने, जेड़े कियामत दे दिन ते ईमान रखने वाले अल्लाह का जिक्र करने वाले अल्लाह का शुक्र करने वाले, अल्लाह फरमांदे ने उन्हां लोगों वास्ते असा अपने पैगंबर की जिंदगी बेहतरीन नमूना बनाईए, मेरे नबी की सीरत उन्हां वास्ते आइडियल दे तौर पर पेश की गई है। आओ अपनी जिंदगी रेंज गुजारीए जिमें आमिना दे लाल ने गुजारे है, आओ अपनी जिंदगी दे शबो रोज इस अंदाज नाल बसर करिए जिमें आमिना दे लाल ने कीते ने। ओ मेरे आ सोहणिया वीरां, मेरे नबी दी ताबेदारी करनी है, अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी करनी है। जान दियो जिहड़ा बंदा जान बुझ के मेरे पैगंबर की मुखालफत करता है अल्लाह दे रसूल दा कहना नहीं मनदा, अल्लाह फरमांदे ने, फल यहज़रिल्लाज़ीना यो खालिफूना अन अमरिही अम तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम।
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने लोगो जिस बंदे ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत की थी, अल्लाह दे रसूल दा कहना ना मनिया, मेरे नबी दी ताबेदारी ना की थी, मेरे नबी दा फरमान उहदे सामने वे मगर ये मनदा कोई नहीं, अल्लाह दे रसूल दी सुन्नत नूं अपनांदा नहीं है, मुखालफत करन वाला बंदा। अल्लाह फरमांदे ने अंतुसीबहुम फितना, असी फितने अंदर मुबतला कर देंगे। इंज समझो ना इंज समझो, शादी के मौके का प्रोग्राम है, जे शादी के अंदर मेरे पैगंबर की सुन्नत की मुखालफत की जाए, अंतुसीबहुम फितना, अल्लाह फितने च मुबतला कर देंगे ने, वह घर वसिया नहीं करते, वह चुगे लुटे जाते ने, उतों लड़ाइया खत्म नहीं होंदिया, उतें झगड़े आम आते ने, हसद बड़ा आता है, बुगत बड़ा आता है, अदावत मुकण का नाम नहीं लेंदिया, क्योंकि मेरे नबी की मुखालफत की गई है, मेरे नबी के तरीके की मुखालफत की गई है, मेरे नबी की इताअत नहीं बल्कि मेरे पैगंबर की हुक्म अदोली की गई है। अल्लाह फरमाते ने अम तुसीबहुम फितना, मैं फितने च मुबतला कर छड़ांगा, मुसीबतां ते दुखां अंदर मुबतला कर छड़ांगा, लड़ाइया ते झगड़े अंदर मुबतला कर छड़ांगा, आओ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, आखरत के अंदर बड़ा दर्दनाक अज़ाब होएगा उन लोगों वास्ते जिन्हें मेरे नबी की मुखालफत के अंदर जिंदगी गुजारी, मेरे नबी का कहना ही कोई नहीं मनिया। आकारी ही सलातो सलाम फरमाते ने लोगो मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत अंदर जाएगी, कोई बंदा जन्नत तो बाहर नहीं रहेगा, सारी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी, पर मेरे सहाबा वो बंदा जन्नत अंदर नहीं जाएगा, कभी वो जन्नत अंदर नहीं जाएगा जिस बंदे ने जन्नत जान तो इनकार कर दिता। सोने महबूबा वो कौन है बदनसीबा, वो कौन है बदकिस्मत जिहड़ा तुहाडी सुन्नत ना अपनाए, अल्लाह अकबर जिहड़ा जन्नत जान तो इनकार कर देता है। हुजूर फरमाते ने मेरे सहाबा ऐसा नहीं है कि वह अपनी जबान नाल कहिंदा मैनू जन्नत नहीं चाहिए, मैं जन्नत नहीं जाना चाहता, बल्कि हदीस मेरे नबी जी उहदे सामने आका फरमाते ने मेरा फरमान उहदे सामने, मेरा बयान उहदे सामने, मगर मेरी इताअत नहीं करता, मेरी गल मनदा नहीं है। अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत करन वाला बंदा गोया इंजी है जिवें उस बंदे ने जन्नत जान तो इनकार कर दिता है। मेरी मजलस के अंदर जितने नौजवान आए हो, बुजुर्ग आए हो, बच्चे आए हो, खवातीन तशरीफ लै करके आईया ने, अपनी अपनी जिंदगी के अंदर अज नज़र दुड़ाया जे, अज अपने अपने मामलात नू वेख्या जे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि असी अल्लाह के रसूल की मुखालफत अंदर जिंदगी गुजारी जाने, अल्लाह के रसूल का कहना मनदा है कि नहीं मनदा है, अगर मनदा है तो अल्लाह का महबूब बनता है, अगर मेरे नबी का कहना नहीं मनदा, अल्लाह के रसूल की फरमा बदारी नहीं करता। अल्लाह फरमाते ने अम तुसीबहुम फितना, ए वेखो ना महंगाई का बहरान, है जड़ी महंगाई आई पई है, आ जड़िया चीज़ा मिलदियाँ कोई नहीं पईया, बीमारियां आम हो गई, फितने फसाद आम हो गए, पुत्र अपने बाप का हया नहीं पिया करता, माँ अपने माँ बाप, बेटी अपने माँ बाप की इज्जत को दागदार भी कर दी है, इतने हर बंदा अल्लाह को अकबर अपने हमसाए की इज्जत लुटी जाता है, अपने अजीज की इज्जत लुटी जाता है, अज किसी नाल कोई प्यार कोई नहीं, नफरत आम हो गई ने, मुहब्बत खत्म हो गई ने, चोरियां आम हो रही ने, डकैतियां आम हो रही ने, इज्जत आम लुटिया जा रही ने, शराबा आम पीतियां जा रही ने, ये सारे मामलात, ये सारिया टेंशन, ये सारिया मुसीबत, ए करोना वाली बड़ी वड्डी एक अजीब बीमारी आ गई है, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे गए ने, आते ने कोई इलाज नहीं इस करोना का, पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया के प्रोफेसर टिल लाटे ने, कोई दवाई इस करोना की कोई नहीं, जिन्हों लग जाता है बंदा बचता कोई नहीं, अजीब तरह दियाँ बीमारियां, अजीब तरह दियाँ टेंशन। अल्लाह फरमाते ने अम तुसीबहुम फितना, असी फितने च मुबतला कर दिया करने, अल्लाह वादे तवज्जो करो ना, गौर करते जाना, संताली दियो बासियो, इरदा गिरद तो आने वाले हो, मैं जरा पैगाम पिया देना समुद्री दे रहन वाले हो, अल्लाह का वास्ता है मेरे नबी दे ताबेदार बन जाओ, अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी अंदर जिंदगी गुजारिया कर, जिन्हें बातों तू मेरे नबी ने मना कर दिता उन्होंने तो बाद आ जा, जिन्हें गलों का मेरे नबी ने हुक्म दिता है वह कम करया कर, इन्हों फितनिया तू, इन्हों मुसीबतों तू तेन छुटकारा मिल जाएगा। अज पूरी दुनिया पिया दी है, कोई लीडर बोलता पाया मस्जिद बंद कर दतिया जा, कोई आंदा मदरसे बंद कर दिते जा, कोई आंदा स्कूल बंद करो, कोई आंदा बाजार बंद कर दो, कोई आंदा जनाब सरेआम लोगों का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, शादी ब्याह
दे फंक्शन नहीं होने चाहिए। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया के अंदर रट लगी पई है, कोरोना बड़ा आम हो गया है, इसका इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। अगर तुसी तवज्जो करो ना संताली वाले हो तो मैं तुहानू कोरोना का इलाज देवा। अगर तुसी गौर करो ना, मैं तुहानू एक बेहतरीन नुस्खा दे करके जावा। एक कोरोना नहीं, जिन्हिया बीमारियां ने, एक बीमारियां ही नहीं, जिन्हिया टेंशन ने, जिन्हिया मुसीबत ने, जिन्ने दुख ने, जितने फितने ने, जितने फसाद ने, तेरी हर टेंशन का मुदावा, तेरे हर दुख का इलाज, तेरी हर मुसीबत का इलाज, मेरे नबी का ताबेदार बन, अल्लाह दे रसूल की फरमा बरदारी कर, अल्लाह अकबर गुनामा तू बाद आ जा, अल्लाह तू माफिया मंगया कर, अल्लाह अकबर मस्जिदा की आबादी की वजह करके करोना नहीं जे फैलिया है, शादिया के ब्याहों की आबादी करके करोना नहीं जे फैलिया, बाजारा की वजह करके नहीं जे फैलिया, मदारस स्कूलों की वजह करके नहीं जे फैलिया, बल्कि अल्लाह फरमाते ने ज़ाहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर बिमा कसब अयदी नास। ओ दुनिया वाले हो, खुशकी और तरीके जो जुलम फैलिया है, जो जुलम फैलिया, जो फितने आए ने, जो मुसीबत ने डेरे लाए ने, ये तुहाडे काले करतूतों की वजह करके, तुहाडे गंदे अमाल की वजह करके, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की ना फरमानी की वजह करके आए ने। अज मौका है तुसी मेरे रब नू मना लो, मस्जिदां बंद करन नाल करोना नहीं जे जाना, अल्लाह नू मनान नाल करोना जाना है, मदरसे बंद करन नाल करोना नहीं जे जाना, अल्लाह नू मनान नाल करोना जाना है। अल्लाह मनना किवें? मेरे नबी दी ताबेदारी दे नाल, अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी दे नाल। अल्लाहु अकबर, अगर तवज्जो करो मैं नुक्सा देवा, मौला ने बड़ा प्यारा दर्स दिता है, फरमांदे ने अरे रब से तौबा करो ना करो ना, 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 कह रे खुदा से डरो ना डरो ना, कह रे खुदा से डरो ना डरो ना, अजाबे इलाही का झटका लगा है, बड़ा सा नहीं बस जरा सा लगा है, बड़ा सा नहीं बस जरा सा लगा है, बोलो उठी दुनिया करो ना करो ना, बोलो उठी दुनिया करो ना करो ना, अरे रब से तौबा करो ना करो ना। अल्लाह फरमांदे ने वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्ला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगो, मेरा नबी जो देवे लह लिया करो, जिथों रोक देवे रुक जाया करो। अल्लाह अकबर, हुण तवज्जो करना, मैं दो चार ऐसियां बातां तेरे सामने रखा, कुछ जिहड़े मेरी उम्मत दे अंदर अज मेरे जनाब मुआशरे अंदर जिहड़ियां बीमारियां पाईयां जा रहियां ने, अल्लाह अकबर जिहड़ियां चीज़ां नबी पाक दी मुखालफत दे अंदर मैनूं नज़र पईयां आंदियां ने, मैं दो चार तेरे सामने अर्ज कर देना। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, गौर करदे जाना। हदीसे पाक अंदर हजरत जाबर बिन सलीम रजी अल्लाह तआला को बयान कर दे रहे, एक दिन नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नाल मुलाकात हुई है, ते अल्लाह दे रसूल नाल मुलाकात हुई, ते अल्लाह दे रसूल ने हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला को नसीहत फरमाई, फरमाया जाबर जी महबूब पैगंबर, अल्लाह फरमांदे ने वमा आताकुमुर रसूल, मेरा नबी जो दे देवे ओ ले लेना है, ते जिथों रोक देवे उथों रुक जाना है। हुण वेखिया जे, तवज्जो करे जे, मेरे नबी की हदीस मैं तुहानू सुनाण लगा जे, हुण मर्जी तेरी है, तुसीं लै लो या छड़ दिओ, अंजाम मैं तुहानू दस दिता है, अल्लाहु अकबर मुकाम भी तुहानू दस दिता है। जिन्ने मेरे नबी की हदीस ते अमल कमाया, जिन्हें मेरे नबी की इताअत कीती, उहदे ते अल्लाह राजी हो जाएगा, उहदे गुनाह भी माफ हो जाएंगे, ते जिन्हें मेरे नबी की सुन्नत की मुखालफत कीती, मेरे नबी की बात नू ना मनिया, मेरे नबी की हुक्म अदूली कीती, दुनिया च वी फितनिया च रहेगा,
आखरत के अंदर भी अदाब अलीम होएगा, दर्दनाक अदाब होएगा। मैं तुहाडे सामने अंजाम भी रख दिता है और मैं तुहाडे सामने मनन वाले का मुकाम भी बयान कर दिता है। हुण मैं दो चार हदीसां सुनाणियां ने तुहानू ताकि साडे ज़हन दे अंदर बात बैठ जाए। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने, जाबर जी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जाबर मैं अल्लाह दा नबी तेनूं नसीहत पिया करना। अल्लाह दे नबी दसो की नसीहत है? फरमाया अल्लाह दे बंदिया कदी अपनी जबान दे नाल किसे नूं गाली नहीं हो देनी। जानना जाबर तेरे नबी नूं गाली गलोच करना पसंद नहीं, मंदे बोल बोलना पसंद नहीं, जबान नूं दागदार करना पसंद नहीं। तेरे नबी ने अपनी जिंदगी अंदर कदी किसे अपने बेगाने नूं बंदा नहीं बोलिया। ते जाबर मैं तेनूं नसीहत पिया करना, कदी किसे नूं गालियां नहीं देनियां, कदी किसे नूं मंदा नहीं बोलना। अल्लाह अकबर। 47 वाले अल्लाह फरमांदे ने, वमा आताकुमुर रसूल, मेरा नबी जो दे दे वो लै लेना, जे जिथों रोक दे उथों रुक जाना है। मेरे नबी हुक्म भी फरमा रहे, मेरे नबी नसीहत फरमा रहे। अल्लाह दे नबी रोक दे पैने किस काम तो, गालियां देन तो, गालियां देन तो। बड़ी माजरत दे नाल अज बाप अपने पुत्र नूं गाली देन लग्या शर्म नहीं खांदा, पुत्र अपने बाप नूं पिया गालियां देंदा, भरा अपने भरावां नूं गालियां पिया देंदा, बेटी अपने मापियां नूं गालियां पी देंदी है। जिहदा दिल करदा है जिहनूं गालियां कढ़न लग जांदा है। अल्लाह दे बंदे अपनी जबान चंगी बना ले। मेरे नबी ने जबान दे मुतल्लिक फरमाया, आका फरमांदे ने, अल्लाह दे ओ बंदे ओ गल सुनो, ओनी देर तक कोई बंदा कामिल मुसलमान पक्का मोमन हो ही नहीं सकदा जितनी देर तक ओदी जबान और ओदे हाथ कोलों दूसरा मुसलमान महफूज ना होवे। ते असी ते बड़े अजीब जे लोग आ। अल्लाह अकबर, बंदे ते बंदे रह गए। साडा मोबाइल एक वार असी किसी नूं कॉल मिलाइए, दूसरी वार मिलाइए, तीसरी वार मिलाइए, ना मिले असी मोबाइल नूं गालियां देण लग पैने आ। मोटरसाइकिल दी के कमारीए, एक तो दूजी वार स्टार्ट ना होवे, असी मोटरसाइकिल नूं गालियां देण लग पैने आ। अल्लाह अकबर, दरवाजा खोलने ताला खोल रहे आ, चाबी नहीं लग रही, ताले नूं गालियां देण लग पैने आ। अल्लाह दे बंदे, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि साडे नबी ने कदी गाली नहीं दित्ती जबान नाल, और मेरे सहाबा तुसी नहीं गाली नहीं देनी, मेरी उम्मत दे लोगो गालियां नहीं देनियां। यार किड्डी अजीब जी गल है। अल्लाह अकबर, होए अल्लाह दे रसूल दे मनन वाला, होए मेरे नबी दी उम्मत दे विचों, ते नबी पाक नाल मुहब्बत दा दावा भी करे, ते इहदी जबान तू कोई फर्दे बशर महफूज ही कोई ना होवे। जदों बोले मंदा ही बोले, जदों बोले गंदा ही बोले, जदों जबान खोले ते अजीब जी गल्लां करे। अल्लाह दे बंदे, जबान नाल गालियां ना दिया कर, लोकां दीआं चुगलियां ना करिया कर, गीबतां ना करिया कर, मंदा ना बोलिया कर, झूठ ना बोलिया कर। अल्लाह दे बंदिया, लोगां दे ऐब ना लोगां दे सामने बयान करिया कर। इत्थे असीं छोटा जिहा किसे अंदर ऐब वेख लईए, हजार खूबियां उस बंदे दे अंदर होवण, एक छोटी जी गलती वेख ली ते लोगां दे सामने नशर करन लग पिया, एक छोटा जिहा उहदे अंदर ऐब वेख लिया ते लोगां दे सामने बयान करन लग पिया। जाणने इस चीज़ नूं गीबत बोलिया जांदा है, ते गीबत इतना बड़ा गुनाह है। जिवें बंदा अपने सक्के भरा दा गोश्त मुर्दार दा खाई जांदा होवे, कदी बर्दाश्त करेगा सक्के भरा दा गोश्त खाणा? ते जदों किसे दी गीबत करना है, लोगों के राज लोगों के सामने आके बयान करना है, उदों ही हया करिया कर। अल्लाह दे बंदे, किसे दा ऐब वेख के उहदे ते जनाब परदा पा दिया कर। अज तू किसे दे ऐब ते परदा पाएगा, कल अल्लाह तेरे ऐबां ते परदा पा छड्डेगा। अज किसे दी परेशानी दे वेले किसे दे कम आएगा, अल्लाह तेरे कम आ जाणगे। अल्लाह दे बंदिआं नाल प्यार करिया कर। गलतियां खतावां बंदिआं तों हो जांदियां ने, मगर साडा मुआशरा बड़ा अजीब बन गया है। असीं इन्हां चीज़ां नूं कदी सोचिया ही कोई नहीं, इन्हां चीज़ां नूं कदी परखिया ही कोई नहीं। मेरे नबी ने नसीहत फरमाई है, अपनी जबान नाल गालियां नहीं देनियां, मंदा नहीं बोलना। इस जबान की हिफाजत करिया करो 47 दे वासियो। इस जबान एक ऐसी चीज़ है, इस जबान बंदे नूं तख्त ते भी बिठा देंदी है, और इस जबान बंदे नूं जुतियां भी मरा देंदी है। इस जबान बड़ी एक अजीब चीज़ जे इहनूं चंगा इस्तेमाल करेगा, अल्लाह अकबर, लोग तेनूं महबूबे अवाम कहन लग जाएंगे। इस जबान नूं गंदा इस्तेमाल करेगा, लोग तेनूं शैतान कहन लग जाएंगे। अजीब जीआं गल्लां कीतियां जाणगियां तेरे बारे, वेखदे नहीं हो मुआशरे दे अंदर। मैं तेरे सामने एक तस्वीर रखना है, जो बंदे जा रहे तेरे 47 पिंड के अंदर, जाना है इन्होंने तेरे पिंड के मेन चौक के अंदर, सीधे जा रहे हैं जनाब बाजार अंदर, काम भी चौक के अंदर है। एक बंदा एक दुकान पर बैठा, इन्होंने नज़र आ गया, इन्हें बाजार ही बदल लिया है, इन्हें गली बदल लई है। अल्लाह के बंदे, तुम काम
काम सामने चौक दे अंदर है, इधर का तू जा रहे जे। कहिंदे मौलवी जी काम भी उत्थे वे जाना भी है, रस्ता भी शार्ट ही होइए, पर बाजार बदल के जा रहे हैं, बुला के जा रहे हैं कादे लई। अल्लाह अकबर। मौलवी जी वो जड़ा बंदा दुकान ते बैठा बड़ा शैतान बंदा है, बड़ा दहीन आदमी है, बड़ा गंदा बंदा है, बड़ा शरीर आदमी है। अल्लाह अकबर। कादे लई जदों बोलदा है गंदा ही बोलदा है, जदों बोलदा है भैड़ा ही बोलदा है, जदों बोलदा है ते बड़ी अजीब जीआं गल्लां करदा है। उहदी जबान तों कदी खैर दी खबर कोई नहीं निकली। ये जबान तेनूं शैतान बनाई खड़ोती है, ये जबान तेनूं शरीर पे कमांदी है। अगर जबान चंगी इस्तेमाल की जाए, इस जबान नाल कुरान पढ़िया जाए, इस जबान नाल मुहब्बत दे बोल बोले जाण, मिठी जबान इस्तेमाल की जाए, तो फिर पता की होंदा है। इत्थों बंदा तैयार होंदा है जुमे वाले दिन। किधर जा रहे हो? समुंदरी जा रहा। किथे जाना है? की करना है? मैं जुमा पढ़ना है। किथे पढ़ना है? मैं जनाब जामिया मस्जिद मुहम्मदी अंदर जुमा पढ़ना है। उत्थे कौन जुमा पढ़ाणगे? विहाड़ी तो आते ने कारी इस्माइल अतीक साहब, उन्हें पिछे जुमा पढ़ना है। कादे लई? कुरान बड़ा सोहना पढ़ते ने, बयान बड़ा सोहना करते ने। अल्लाह अकबर। उस मुहल्ले तो बंदा चलिया आ गया तुहाडी मस्जिद के अंदर, मस्जिद जनाब अली उल मुर्तदा के अंदर। कादे लई आयो? वल्ला जाबर कसूरी साहब जुमा पढ़ाणगे, जुमा पढ़ने वास्ते आया। क्यों उत्थे क्यों नहीं जे पढ़िया? अगे जी ये मौलाना बयान बड़ा सोहना करते ने, कुरान बड़ा सोहना पढ़ते ने। इतों बंदे जा रहे ने कहकशां कलोनी के अंदर, वरना बहादुर अली सैफ हफीज़ाउल्लाह के पिछे जुमा पढ़ने वास्ते। कादे लई? बयान बड़ा मिठा करते ने, जबान बड़ी मिठी है। इस जबान की वजह करके लोग महबूबे आवाम कह लग जाते ने, इस जबान की वजह करके लोग बंद शैतान कह लग जाते ने। अल्लाह दिया बंदिया जबान चंगी इस्तेमाल करया कर, इस जबान के बोल तोले जाएंगे, इस जबान के बोल परखे जाएंगे। बोल लग्या कदी ख्याल करया कर, और जानते हो अल्लाह के बंदे हो, जबान विचू जिहड़ा बोल एक बार निकल जाए वह वापस नहीं आया करदा। लिहाजा अपनी जबान नू जदों खोलिया कर, चंगे बोल बोलिया कर, अपनी जबान खोलिया कर, अल्लाह का कुरान पढ़िया कर, जबान खोलिया कर, मेरे नबी दे दुरूद पढ़िया कर, जबान खोलिया कर, अबू जी कह के बोलिया कर, अम्मी जी कह के बोलिया कर, भाई जान कह के बोलिया कर, बाजी जी कह के बोलिया कर, चाचू जी कह के बोलिया कर, मामू जी कह के बोलिया कर। अच्छे अंदाज दे नाल, सोहणे अंदाज दे नाल, प्यारे अंदाज दे नाल। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहतरम बाबा जी जा रहे ने बाजार के अंदर। एक बच्चा है जिहड़ा पिछों जनाब बाबे ने उहनूं जनाब बच्चे नूं एवें प्यार नाल किते बुलाया, पुत्तर मेरी गल सुन। ते अगों बच्चा कहिंदा है तूं मेरा वड्डा लगना है, तूं फलाणा, मैं कादे लई तेरी गल सुणा? ते बाबा फिर पता की कहिंदा है? किसे नकम्मे मां प्यो दी औलाद ही, किसे भैड़े दी औलाद ही, तेनूं चंगी तरबीयत किसे नहीं दित्ती। ते बाबा जा रहा बाजार, एक बच्चा दौड़ के आंदा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल? ठीक हो? ते बाबा उहदे सिर ते हाथ भी रखदा है, किसे चंगे मां प्यो दी औलाद है, किसे तेरी चंगी तरबीयत कीती है पुत्तर, तू चंगा बच्चा है। किहदा पुत्तर है? कौन है तेरा आपू? वह फिर दसदा जी मैं मौलाना जाबर साहब का बेटा। अच्छा जी, माशाल्लाह तेरा आबू किड्डा चंगा। तो जदों बच्चे ने अगों बोलना गाल, कई बच्चों की आदत होंदी है, बाबा जी जा रहे बाजार ते पिछों रोड़ा भी मारनगे ते गाल भी कढ़नगे, ते उन्हें कहना पुत्र है पक्का हराम। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, गौर करते जाना। वो मैं अपनिया मावां भैणां नूं दरस देवांगा, अपने बच्चियां दी तरबीयत करिया करो, इन्हां दी जबान चंगी बनाओ, इन्हां सोहणा दरस दिया करो। मेरे नबी अपने सहाबी नूं नसीहत फरमा रहे, अल्लाह दे रसूल फरमाते ने मेरे सहाबी गल सुन, तेरे नबी ने अपनी जबान विचों कदी किसी नूं मंदा नहीं बोलिया, कदी किसी नूं बुरे अल्फाज नहीं बोले। अल्लाह की कसमें एवें ते नहीं, अज यहूदी मेरे नबी दियां तारीफां करदे, ईसाई मेरे नबी दे कसीदे पढ़दे, तुसीं सिख वेखे होणगे मेरे नबी दियां नातां पढ़दे होए, तुसी हिंदू वेखे होणगे मेरे नबी दियां तारीफां करदे होए, क्योंकि मेरे नबी ने किरदार एडा सोहणा अपनाया सी, जबान एडी प्यारी इस्तेमाल कीती सी। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम तवज्जो करना, चलो गल आ गई है ते मैं मुहब्बत दा तराना बोलना। मैं ना अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं।
अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। मशम्स कहीं बल्लेल कहीं बल्फजर कहीं पर फरमा के, शम्स कहीं वल्लैल कहीं वल्फजर कहीं पर फरमा के, वल्फजर कहीं पर फरमा के, कुरआ में रब्बुल आलमी, कुरआ में रब्बुल आलमी खुद यार की बातें करते हैं। दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अल्लाह फरमान देने, वमा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। मेरा नबी जो दे दे ले लेना, ते जिथों मेरा नबी रोक देवे उथो रुक जाना। मेरे नबी ने गालियां तो मना कीता, गालियां नहीं देनियां। और बिलखसूस में उन्हां नौजवानां नूं मुखातब करके गल करन लगा जिहड़े शादीशुदा नौजवान ने, एवें निक्की निक्की गल ते अपनी बीवी नूं गालियां ना देया कर, निक्की निक्की गल ते। अच्छा, गल भावें वड्डी भी होवे गाली फिर भी नहीं देनी। ये तो मैं मिसाल दे रहा ना समझाने वास्ते, गल वड्डी भी होवे ते गाल नहीं देनी चाहिए किसे। गाली देने वाला मुसलमान का केड़ा काम। गालियां ना दिया कर, एवें असी निक्की निक्की गल ते गालियां देने लग जाने। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, गौर करते जाना। इत्थे मैं एक मसला तुहानूं समझाउण लगा जे, यूट्यूब दे उत्ते कदी तुसीं वेख्या जे फुरसत मिल जाए, मैं फैसला बाब दे अंदर एक जुमा पढ़ाया, फरमा बरदार बीवी का मुकाम। एक मैं जुमा पढ़ाया, ना फरमान बीवी का अंजाम। एदे नाल नाल मैं एक जुमा पढ़ाया, शौहर के जिम्मे बीवी के हुकूक। अगर वक्त मिल जाए तो जरूर सुन लिया जे, जरूर सुन लिया जे, बड़ा फायदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। जिथे बीवी दे जिम्मे शौहर दे कई हक ने, उथे जनाब शौहर दे जिम्मे बीवी दे भी कुछ हक ने, जिथे होर बथेरे ने। एक हक तुहाडी बीवी दा ए वी ए नौजवानो, एक हक तुहाडी बीवी दा तुहाडे ते ए वी ए। गुस्से अंदर आके, टेंशन अंदर आके अपनी बीवी दा नसब ना पुणिया करो, अपनी बीवी नूं गालियां ना दिया करो। ये तेरी बीवी दा तेरे ते हक है। जानदे हो मुसलमानो, संताली दे रहण वाले हो, औरत भावें वक्त दी शहजादी होवे, अपने खामन दे नाल सुके टुकरां ते भी गुजारा कर जांदी जे, झोपड़ी च रह के भी गुजारा कर जांदी है। पर औरत हर चीज बर्दाश्त कर जाती है। औरत अपने मां बाप की तोहीन कदी बर्दाश्त नहीं जे करती, औरत अपने भरावां की तोहीन कदी बर्दाश्त नहीं जे करती। लिहाजा इंज ना आख्या करो बर्तन टुट जाए, सालन अंदर निमक मिर्च बहुता पै जाए। ये ना आख्या करो तू है ही फलाने खानदान की, तू है ही फलानी नस्ल की। वो नहीं नहीं, मेरे नबी ने मना फरमाया, ऐसे जुमले नहीं बोलने जेड़े दिल तोड़ देवन, ऐसे जुमले नहीं बोलने जेड़े दराड़ा पा देन, झगड़े ते फसाद नूं फरोग दे देन। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, मेरे नबी ने मना फरमाया, अल्लाह दे रसूल ने मना किया है। अल्लाह फरमाते, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। मैं दरस देंदा पै जे, मैं गल तुहानूं समझा रहा, समझ लो मेरियां गल्लां। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो कह देण, जो फरमा देण, उहनूं मनणा है, ते जिथों रोक देण उथों रुक जाणा है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, गौर करते जाना। एक होर हदीस समाज फरमा लो, पहले नंबर ते इस चीज तो बचना है, असीं मंदा नहीं बोलना, अपनी जबान नूं चंगा इस्तेमाल करना है। वह भावां बीवी होवे, भावां भैण होवे, भावां अम्मी होवे, भावां अपना बाप होवे, भावां कोई मुहल्लेदार होवे, कोई अपना होवे या बेगाना होवे, किसी नूं भी मंदा नहीं जे बोलना। चुगलियां नहीं करनियां, गीबतां नहीं करनियां, एवें किसी के ऐब नहीं लोगों के सामने बयान करने, एवें जबान नाल झूठ नहीं बोलना, बदकारियां वाली गल्लां नहीं करनियां, फहाशा गुफ्तगू नहीं करनी। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, गौर करते जाना। दूसरी हदीस समाज फरमा लो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला बदार अंदर जा रहे ने, आप दा गुलाम आप दे नाल। एक अचानक हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने कन्ना के अंदर उंगलियां पा लिया ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जोर
जरा तेज तेज चलना शुरू कर दिता। ते गुलाम कहन लगा अब्दुल्ला बिन उमर जी की गल क्यों चलते पै जी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने चुप कर यार, पहले मैनू इनी गल दस, जेड़ा मदीने के बाजार एक बांसरी की आवाज आ रही सी, मौसीकी की आवाज आ रही सी, सास की आवाज आ रही सी, अल्लाह अकबर आ रही है या बंद हो गई है। कहन लगा जी अजे आ रही है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर तेज तेज जा रहे ने, कन्ना चुंगलियां भी बाहर नहीं निकालियां, जल्दी जल्दी जा रहे सन जल्दी जल्दी। फिर जो जा करके जनाब खादिम ने आख्या जी हुण कन्ना चुंगलियां कढ़ लो, आवाज आनी बंद हो गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने कन्ना चुंगलियां निकाल लियां ते आराम नाल तुरन लग पे। ते ओ जनाब गुलाम कहन लगा अब्दुल्ला बिन उमर जी अजीब गल वेखी है तुहाडे अंदर, ए की कीता जी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे तैनू नहीं इस चीज का पता, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मौसीकी नूं पसंद नहीं सी करिया करदे, मेरे नबी नूं चंगा नहीं सी लगदा। अज ओ शादी शादी नहीं समझी जांदी जिहदे च ढोल ना वजाया जाए, अज ओ शादी नूं शादी नहीं समझिया जांदा जिहदे अंदर बैंड बाजे ना होण, अज ओ शादी नूं शादी नहीं समझिया जांदा जिहदे अंदर कंजर ना नचाए जाण, जिहदे अंदर मौसीकी दे प्रोग्राम ना बनाए जाण। ओ अल्लाह वालिया मेरे नबी नूं चंगा ही नहीं सी लगदा ऐ काम। अल्लाह अकबर, क्या तेनू प्यार ही नहीं मेरे पैगंबर दे नाल, क्या तेनू मुहब्बत नहीं अल्लाह दे रसूल दे नाल। यार जिन्हों मुहब्बत आती है ना, जिन्हों प्यार होता है, अल्लाह अकबर एक बाप नू अपने पुत्र नाल प्यार बड़ा होता है, बाप नू अपने बेटे नाल मुहब्बत बड़िया आदियां ने। बाप गया बाजार के अंदर, अल्लाह अकबर फ्रूट लैन वास्ते, फ्रूट वाली रेहड़ी लगी है, तरह तरह के फ्रूट पे ने, बड़े ने वेखे ने, बार बार वेखे ने, वेंदा वेंदा बाप अगे टुर पैंदा ते फ्रूट वाला आके कह रहा बाबा जी बुजुर्गो की गल हो गई है, फ्रूट क्यों नहीं पे लेंदे, इन्ने सोहने सोहने मैं लिया के रखे ने। ते बाबा आंदा अल्लाह दिया बंदिया जिन्ने तेरे कोल फ्रूट पे ने, जिन्नियां किस्मां पईयां ने, ये सारियां चंगियां ते ठीक ने, असल च मैं जिहड़ा लैण वास्ते आया वा वो तेरे कोल है ही कोई नहीं, की लैना चाहते हो? आखे मैं अनार लैण वास्ते आया। बाबा जी अनार तुहानूं पता है किन्ना महंगा हो गया है, मेरे कोल सेब बड़े चंगे आए पे जे, कल 200 रुपए किलो दिते सन, अज 100 रुपए किलो देना, हैन भी चंगे हैन भी सस्ते, लै जो जिन्ने लह के जाने जे। ते बाबा आंदा मैं की करा सस्तिया सेबा नूं, मैं की करा चंगिया सेबा नूं, जिस पुत्र वास्ते लैण वास्ते आया उहनूं सेब चंगे ही नहीं लगते, मेरे पुत्र नूं अनार चंगे लगते ने, मैं पुत्र वास्ते अनार लैके जाने ने। ओ संतानी वाले ओ गल सुनो ना, बाप नूं अपने पुत्र नाल प्यार आंदा है, बाप छोटियां छोटियां चीजां अंदर ख्याल करता है, ऐ मैं नहीं लैके जानी, मेरे पुत्र नूं चंगी नहीं लगती, मेरे पुत्र नूं पसंद नहीं है। अल्लाह दे बंदिया तेनूं नबी पाक नाल किन्ना कि प्यार है, वह मेरे नबी नाल तेनूं कादी मुहब्बत है। अल्लाह अकबर, कदी तू ही ख्याल कीता है ना बातां दा, ऐ काम मैं नहीं करना, मेरे नबी नूं चंगा नहीं सी लगता, अल्लाह दे रसूल नूं पसंद नहीं सी, गालियां देना मेरे नबी नूं पसंद नहीं सी, मौसीकी सुनना मेरे नबी नूं पसंद नहीं सी। इत्थे बंदे मीडिया ते आ के बकवास करन लग जांदे ने, अगर जी मौसीकी रूह दी गदा बनी पई है, इहदे बगैर ते बंदे नूं चैन ही नहीं आंदा, ओ ज़ालिमा तैनूं हया नहीं आंदा। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, जदों मेरे दिल नूं सुकून दी जरूरत आउंदी है, जदों कोई परेशानी आ जांदी है, मेरे दिल नूं करार दी जरूरत आउंदी है, मैं 2 रकतां नमाज पढ़ लैंदा वां, अल्लाह ताला मेरियां टेंशनां दूर कर देंदा है, अल्लाह मेरे दिल नूं सुकून दे देंदा है। ओ जिस नबी दा कलमा पढ़िया उस नबी दे दिल नूं सुकून मिलदा है नमाज पढ़न दे नाल, ते अज मुहब्बत दे दावे करन वाले दे दिल नूं सुकून मिलदा है शराब पीण दे नाल, अज साडे दिलां नूं करार मिलदा है मौसीकी सुणन दे नाल। नहीं नहीं तैनूं प्यार नहीं अल्लाह दे रसूल नाल, एवें भोके ही नारे मारदा फिरना है, एवें झूठे ही दावे करदा फिरना है। प्यार है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं, फरमांदे ने मैं मौसीकी सुननी नहीं है, कन्ना चुंगलियां लै लईयां ने, नहीं सुनांगा मौसीकी, क्यों? अल्लाह दे नबी नूं चंगी नहीं सी लगदी, मेरे नबी नूं पसंद नहीं सी, और अल्लाह दे रसूल ने मौसीकी तों मना फरमाया, ऐ साज बाजे गाजियां तों मना फरमाया मेरे पाक पैगंबर ने। बाद आ जाओ इन्हां चीज़ां तों बाद आ जाओ। बमा आता कुमर रसूल फखुज़ूहु, अज इत्थे जनाब बाबा जी नमाजी बंदे हो, चंगे बंदे हो, हाजी साहब हो, पुत्र की शादी ते कंजर का तू नचाए गए, मौलवी जी की करिए हुण, जाइए किहड़े पासे? बरादरी वाले नहीं टिकण देंदे मेरे पुत्र दे यार बेली को इस तरह दे, मेरा पुत्र ही नहीं मनिया, होर कम्मां च असीं बड़ा मना लैने,
होर गल है जी बड़ी जबरदस्ती कर लें तो इन्ह कमां की वारी नहीं जी हूँ करिए फिर मुआशरा यह कहता है ना मुआशरा जो मर्जी करे पर मेरे नबी दे बारे अल्लाह फरमांदे वमा आता कुमुर रसूल जो मेरा पैगंबर देवे उन्हों मनना है जिथों रोक देवे उथों रोक जाना है अल्लाह अकबर मेरे नबी ने मना फरमाया काम नहीं करना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे अपने गुलाम नूं कहण लगे एक दिन मैं अल्लाह दे रसूल दे नाल जिवें अज तू मेरे नाल जा रहे है मैं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जा रहा सां इंज मदीने दे बाजार अंदर मदीने दे बाजार अंदर हमें चलते चलते करार आ गया है मदीने का देखो बाजार आ गया है हमें चलते चलते करार आ गया है मदीने का देखो बाजार आ गया है हमें आ रही हैं जो ठंडी हवाएं हमें आ रही हैं जो ठंडी हवाएं मदीने का मौसम बहार आ गया नबी पाक अलैहिस्सलाम जा रहे ने बाजार अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते ने इंजी बांसुरी दी आवाज आ गई मौसीकी दी आवाज आ गई ते मेरे नबी ने कन्ना चुंगलियां लै लईयां अल्लाह दे रसूल तेज ते तुरन लग पे अल्लाह दे नबी नूं चंगा नहीं लग्या एहसास ते सानू उन्नी देर तक नींद नहीं आंदी जिन्नी देर तक असी मौसीकी ना सुनीए जिन्नी देर तक असी फिल्मां ना वेखीए जिन्नी देर तक असी सांस दी आवाज ना सुनी ओ अल्लाह दे बंदिया ख्याल कर ख्याल कर अल्लाह फरमांदे ने फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितना किवें करां सुकून आवे किवें लड़ाइयां तो फुरसत लब्बे किवें इत्तफाक आ जाए किवें मुहब्बत पैदा हो जाण रोजाना मेरे नबी दी मुखालफत करके सोवे ते आखे मैनूं करार लब जाए रिज़क अंदर बरकत हो जाए नहीं होएगी बरकत नहीं लब्बेगा करार मेरे नबी दा ताबेदार बनना पैणा है अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी करनी पैनी है आओ मेरे नबी दे ताबेदार बनो मौसीकी तो बाद आ जाओ अल्लाह फरमाते ने मेरा नबी जो दे दे ओ ले लेना ते जिथों रोक देवे उथों रुक जाना है अल्लाह अकबर अजीब कैफियत वेखीए अज कई मुआशरे दे अंदर ऐसे भी तुसी मंदर वेखे होने ने अपनिया ही बच्चियां नच रही ने गाणियां ते अपनिया ही बच्चियां बेटियां भैणा नच रही ने भरा दी शादी है गाने चल रहे ने डेक ते अपनिया ही बच्चियां नच रही ने उत्थों एक बगैरत बुला लिया वीडियो बनाण वाला वो साडिया ही बेटिया की वीडियो बनाई जा रहे वो साडिया ही धीया की वीडियो बनाई जा रहे क्यों तुहानू हया नहीं आता क्यों तुहाडी गैरत जोश नहीं मार दी अल्लाह को अकबर जान दियो ऐसा बंदा दयूस होंदा है दयूस जिदी माँ भैन बेटी बीवी उहदे सामने बेहयाई का कम करे तो उन्हों रोके ही कोई ना उन्हों टोके ही कोई ना असियां ने कोई गल नहीं मुंडे खुंडे ने कोई गल नहीं बच्चियां ने जो मर्जी करो ना अल्लाह दे बंदिया दयूस बन जाएगा ते जानना जिहड़ा दयूस है जन्नत च जाना ते दूर की गल है जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकेगा तेनू पता ही नहीं इस गल का तू कितना बड़ा जुर्म पिया करना है अल्लाह फितने च मुबतला कर देगा अल्लाह दे बंदिया जदों बेटियां दी बेहयाई वेख के भैणां दी बेहयाई वेख के तू बोलना ही कोई नहीं ते फिर मैनूं दस इज्जतां लुटियां जानियां कि नहीं लुटियां जानियां गैरतां ते डाके पैणे कि नहीं पैणे अल्लाह दे बंदे बाद आ जाओ मेरे नबी दी तां अंदर जिंदगी गुजारो अल्लाह दे रसूल दी फरमां बरदारी अंदर जिंदगी गुजारिया करो अल्लाह अकबर तवज्जो करना गौर करते जाना मेरा अल्लाह हुक्म दे रहा है सानू अल्लाह आर्डर दे रहे ने मेरा नबी जो दे दे ओ लह लेना ते जिथों रोक दे रुक जाना मेरे नबी दी तात अंदर जिंदगी गुजारनी है मेरे नबी दी तात अंदर अल्लाह अकबर मैं तर्जमानी कर देना चलो इन्हां लफ्ज़ां नाल ओ जे कर नहीं दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा ओ जे कर नहीं दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा ओ तेरे हाथ च नमाजा रोजे बंदिया किस कारे तेरे हज नमाजा रोजे बंदिया किस
कारी दिल विच नहीं जे प्यार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा ओ नदा फिर दिल नहीं लगदा किधरे भी ओ नदा फिर दिल नहीं लगदा किधरे भी तकिया जी ना घर बार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा अंबीर गरीब ते गोरा काला हर एक अंबीर गरीब ते गोरा काला हर एक हर दिल है हर दिल है हुबदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा अरश फरश ते मशरक मगरिब जग सारा अरश फरश ते मशरक मगरिब जग सारा हर पसे परचार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा मेरे नबी दी इताअत करनी अल्लाह दे रसूल जो देवण उनू लै लेना ते जिथों मेरा नबी रोक देवे ओ तो रुक जाना सोणिया इहदे अंदर ही निजात है इहदे अंदर ही कामयाबी है इहदे अंदर ही कामरानी है मेरे नबी दी इताअत करो मेरे नबी दा कहना मनो मुसव्वर खेंच वो नक्शा के जिसमें ऐसी सफाई हो इधर फरमाने मुहम्मद हो उधर गर्दन झुकाई हो इहनू आंदे ने मेरे नबी दी ताबेदारी इहनू आंदे ने मेरे पैगंबर दी फरमाबरदारी हुण तवज्जो करना जरा गौर करदे जाना मेरे नबी दी अल्लाह अकबर हज़रात मोहतरम इताअत अंदर जिंदगी गुजारनी अल्लाह दे रसूल दी इताअत अंदर मेरे नबी दियां हदीसां साढ़े सामने आउंदियां ने मेरे नबी दे फरमोदान साढ़े सामने आउंदे ने मगर असीं टस तों मस नहीं आउंदे अपनियां मनमर्जियां अपनी बरादरी दियां ख्वाहिशां पूरियां यारां दियां ख्वाहिशां पूरियां मगर आ मैं कुरबान जावां मेरे नबी दे सहाबा मेरे नबी दे यार कितने मेरे नबी दे वफादार सन केडे मेरे नबी दे सच्चे हुबदार सन अल्लाह अकबर हज़रात मोहतरम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिता अल्लाह फरमाते ने सोणिया महबूबा अल्लाह ने शराब नू हराम कर दिता है अज तो बाद शराब नहीं पीती जाएगी अपने मोमिना अपने उम्मत दे लोगां नू मना फरमा दियो मेरे पाक पैगंबर ने मना फरमाया अल्लाह का कुरान भी मना करता पिया है ते नबी पाक का फरमान भी मना करता पिया है संताली दे रहण वाले हो अज उस शादी नू शादी नहीं जाणिया जांदा जिथे शराब दे ड्रम ना कढ़े जाण जिथे शराबां आम ना पीतियां जाण बड़ियां शराबां पीतियां जांदियां ने बड़ियां जनाब अजीब अजीब तरह के कम किए जाते हैं अल्लाह दिया बंदिया शराब पीना कोई मुसलमान का कम तो नहीं जान दौ जिहड़ा बंदा शराब पीता है वह बंदा जिनाह तो बाद नहीं रहिंदा जिहड़ा बंदा शराब पीता है वह बंदा कतल तक दे घिनौने जुर्म भी कर जाता है जिहड़ा बंदा शराब के नशे अंदर होवे उहनू नहीं पता मेरी माँ कौन है उहनू नहीं पता मेरी भैन कौन है उहनू नहीं पता मेरी बेटी कौन है इस तरह के हालात इस तरह के वाकयात मुआशरे तुम सैकड़ों सुने होंगे फलां खबीस ने शराब के नशे अंदर अपनी माँ नाल बदकारी कर ली शराब के नशे अंदर अपनी सकी भैन की इज्जत लुट ली शराब के नशे के अंदर धी वेच आया बाजार अंदर शराब पीने वास्ते भैन फरोख्त कर दितियां ने अल्लाह के बंदे शराब नहीं पीड़ी शराब मेरे नबी ने मना फरमाई है अल्लाह के कुरान ने मना की दी है मेरा नबी जो देवे उन्हों लेना वे ते जिथों रोक देवे उथों रुक जाना है अज यार राजी करने वास्ते शराबा निकल रही आउंदियां ने मुहल्लेदार राजी करने वास्ते शराबा निकल रही ने और ना ना अल्लाह दे बंदिया अल्लाह की अदालत अंदर ए यार तेरे कम नहीं आने ये सज्जन ते बेली तेरे कम नहीं आने ये रिश्तेदार तेरे कम नहीं आने ये तेरे जराब बल्कि उस अदालत के अंदर इतनी हैब
हैबत होएगी, एडा अल्लाह दा डर होएगा। 50,000 साल दा तवील दिन होएगा, हर बंदा परेशान होएगा, नफसा नफसी दा आलम होएगा। तेरी सकी मां तेनू एक नेकी देने वास्ते तैयार नहीं होएगी, तेरा बाप तेरे करीब नहीं आएगा, अपने बेगाने हो जाएंगे। हर बंदा ही तेरे तू जान छुड़ांदा होएगा, लोग अपनियां कीतियां नूं पकड़े आउणगे। सूरज लोगों तांबे की तरह तपा रहा होएगा, लोग अपने पसीनियां दिल दे डुबदे ते तैरदे पे आउणगे। नबी भी रब्बे नफसी दियां सदावां दिंदे आउणगे। हर बंदा गमजदा होएगा, पर ऐसी कैफियत दे अंदर ओ अल्लाह दे बंदिया, जिस नबी नाल अज बेवफाइयां पिया करना है, इस नबी दी दात दा तू कहना नहीं मंदा, इस नबी दी फरमां बरदारी नहीं करदा, मेरे नबी दे फरमान तेरे सामने, फिर शराब तो बाद नहीं आता, जिनाकारियां तो बाद नहीं आता, मुसीबी तो बाद नहीं आता, अल्लाह अकबर गालियां तो बाद नहीं आता। अल्लाह दे बंदे उस नबी की गल नहीं पिया मनदा, जदों कोई तेरा नहीं होएगा उदों मेरा नबी तेरा होएगा, जदों कोई तेनू सीने नहीं लाएगा उदों मेरा नबी तेनू सीने लाएगा, जदों कोई तेनू नहीं अपनाएगा मेरा नबी तेरे करीब आएगा। वफा कर कमली वाले दे नाल, मुहब्बत कर कमली वाले दे नाल। अल्लाह दे बंदे कदी सोचते सही कदी ख्याल ते कर, अल्लाह दे बंदे साढ़े कोल ते आसाई दो ने, अल्लाह रहमत करनगे बख्शे जावांगे, नबी पाक सिफारिश करनगे बख्शे जावांगे। जे मेरे नबी ने कह दिता ये बंदा सारी जिंदगी मेरी सुन्नत की मुखालफत करता रहा, सारी जिंदगी मेरी हदीसों का इनकार करता रहा, मेरे फरमान दे सामने सन, एक ते भी इन्हें अमल न कमाया। मैं इस बंदे नूं जानदा कोई नहीं, लै जो मेरी अखां तो दूर करो की बनेगा। वह अल्लाह दे बंदिया मेरे नबी नाल वफा करया कर, क्योंकि अशर दे मैदान अंदर मेरे नबी तेरे काम आए। अल्लाह अकबर, मैं तर्जमा नहीं करा कि जो दिन हशीर दे सवाल होणगे, हम ही साडे आमना दे लाल होणगे। जो दिन हशीर दे सवाल होणगे, हम ही साडे आमना दे लाल होणगे। जन्नत नू जाएगी सवारी आप दी, जन्नत नू जाएगी सवारी आप दी। अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, हम ही साडे आमना दे लाल होणगे। और आपो अपनी सब नू पई होएगी, आपो अपनी सब नू पई होएगी, पर मदनी नू उम्मत दे ख्याल होणगे, मदनी नू उम्मत दे ख्याल होणगे। हामी साडिया अज इत्थे औखा वेला आ जाए ना बंदे ते, कोई औखा वेला अदालत च कोई केस ही लग गया ते ओ कहंदा लियाओ कोई गवाह, ते कोई बंदा कहे यार मैं आ गया, तू औखा वेला तेरे ते मैं तेरे नाल जाना, तू गवाही दे। बंदा अपने बच्चियां नूं भी कहंदा इस बंदे दा सारी जिंदगी एहतराम करिया जी, इस बंदे दी कदर करिया जी, इहदा बड़ा वड्डा एहसान है, मुसीबत दे वेले मेरे काम आया। और जदों कोई तेरे काम नहीं आना, मेरे नबी तेरे काम आना, ते तू अज अपनी औलाद नूं तू नहीं कह सकदा मेरा पुत्तर मेरे नबी दी मुखालफत ना करे। अज अल्लाह दे रसूल दी इताअत अंदर जिंदगी गुजारिया जे, कदों कोई काम नहीं आएगा नबी तुहाडे काम आ। आपो अपनी सास नू पई होएगी, पर मदनी नू उम्मत दे ख्याल होणगे, हम ही साडे आमना दे लाल होणगे। और जेड़े सदा पढ़दे ने दुरूद आप ते, जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होणगे। हामी सन अच्छा इतने मैं दूजे पास होना ना, इतने बड़ा कुछ होना सी, तुसी सुभान अल्लाह भी नहीं सही थी, उची कहो सुभान अल्लाह। मदनी नू उम्मत दे ख्याल होणगे, जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होणगे, हम
ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਲੋਗੋ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਮਾ ਆਤਾਕੁਮ ਰਸੂਲ ਫਖੁਜ਼ੂਹੁ ਵਮਾ ਨਹਾਕੁਮ ਅਨਹੁ ਫੰਤਹੂ ਵਤਕੁਲਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜੋ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਬਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਆਇਆ ਫੌਰਨ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਤਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਖਰਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਾ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹਲਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਾ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਨਸ ਯਾਦ ਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਨਸ ਦੱਸ ਕਾਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਬਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਰਤਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਮਟਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਹਾਬਾ ਇੰਜ ਇਤਾਅ ਕੀਤੀ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਜ ਰੁੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੈਯਦਾ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੇਬੋ ਜ਼ੀਨਤ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ੇਵਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ, ਅਲੱਗ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੰਮਾ ਬੂਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ 29 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਐਸਾ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਮਿਆਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 29 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇ। ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਬੂਬ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਬ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੇਬੋ ਜ਼ੀਨਤ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀਏ, ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਅਗਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
बाद अगर मैं बूहों पैर बाहर रखा तो फिर भी अपने मां बाप न मशुरा करने वास्ते जावा कि अल्लाह के नबी मैनू दसो थोड़ी हदीस सुनने के बाद फरमान सुनने के बाद मैं अभी अम्मी अबू न मशुरा करने वास्ते जावा क्या मेरा ईमान सलामत रह जाएगा या ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह अकबर हो मेरी मां ने तेन ऐसा दरस दिता है अम्मी ऐसा सी का रदी अल्लाह तआला ने जिथे मेरे नबी की हदीस आ जाए उथे चूंके चुनाचे अगर ते मगर फला इंज कहिंदा है ओ इंज कहिंदा है औंदी सुना इंदी सुना उंदे पिछे लगा इंदे पिछे लगा नहीं नहीं जिथे मेरे नबी की हदीस आवे समय ना वाता ना मेरे नबी की इताअत करनी है। अम्मा जी अम्मी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने बड़ी वड्डी गल समझाई है कौन मां ऐशा सिद्दीका गल लाइए चलो मैं प्यार वाले तुनु जुमले दो चार नवे नवे सुनावा। ज़हरा रसूल दी बेटी है आयशा सिद्दीक दी बेटी है ज़हरा रसूल दी बेटी है आयशा सिद्दीक दी बेटी है ए शजरा इको घर दाए इस गल तो मुन कर सड़दा है इस गल तो मुन कर सड़दा है पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़िया है फिर लड़ महबूब दा फड़िया है पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़िया है फिर लड़ महबूब दा फड़िया है ताबेदार हुजूर अनवर दा है इस गल तो मुन कर सड़दा है जी इस गल तो मुन कर सड़दा है न पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी है अम्मी आयशा लोगो हसनैन दी नानी है न पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी अम्मी आयशा लोगो हसनैन दी नानी हसनैन दी नानी है रुतबा खदीजा दा जितना तू मन आयशा नू भी उतना है रुतबा खदीजा दा जितना तू मन आयशा नू भी उतना ए रोला सारा जरदाए इस गल तो मुन कर सड़दा है जी इस गल तो मुन कर सड़दा है इस गल तो मुन कर सड़दा गल आई एक मसला भी समझा जावा आ तैनु दसावा मैं आका दियां धीआं दा आ तैनु दसावा मैं आका दियां धीआं दा ज़ैनब ज़हरा कुलसूम सोहणी पाक रुकैया दा इस धोखे च भी नहीं रहना। कुछ लोग आते ने नबी पाक दी इक्को ही बेटी हुजूर दी किन्नियां बेटियां सन भला चार आ तैनु दसावा मैं आका दियां धीआं दा ज़ैनब ज़हरा कुलसूम सोहणी पाक रुकैया दा सोहणी पाक रुकैया दा ए धीआं गिन रसूल दियां नाल पैणा गिन बतूल दियां ए धीआं गिन रसूल दियां नाल पैणा गिन बतूल दियां इरशाद मेरी इरशाद नबी सरवर दाए इस गल तो भी मुन कर सड़दा है इस गल तो मुन कर सड़दा है ज़हरा रसूल दी बेटी है आयशा सिद्दीक दी बेटी है ए शजरा इको घर दाए इस गल तो मुन कर सड़दा है इस गल तो मुन कर सड़दा है। अल्लाह फरमान देने वावा तुसी थकता नहीं गए बारह तो नहीं बाजी अजय तो नहीं बजे तवजो है ना एक हदीस होर सुन लो आप गल मुका दे मैनू पता बल जी आ बाबा शेर लगा सुभान अल्लाह क्या किड्डी सोहनी गल बाबा जी ने की भी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल हो रही कई कई बंदे कई बंदे ना जी को पांच मिनट उत्ते हो जान तो फिर वेखदे ने घड़ियां नूं भी मौलवी कोई नहीं जान छड्डू ते उही जिहड़े बाबा जी घड़ी वेख रहे होंदे ना जदों लगी होंदी ना कोई इंडिया दी फिल्म ते ओ मैं ना अख भी नहीं झमकदे तीन घंटे दा शो चल पूरे तीन घंटे बाबा जी कई बीबियां दा मैं हाल वेख
बीबियां दा हाल वेख्या भी ओ जनाब बच्चा रो पे उन्हूं चपेड़ मारेगी जल दफा हो जाए तू सारा सीन लंघाता ओ नहीं अल्लाह दा कुरान तवज्जो नाल सुनिया करो अल्लाह दा कुरान सुनिया करो तवज्जो नाल हुजूर दा फरमान तवज्जो नाल सुनिया करो नबी पाक दा फरमान सुनो तवज्जो नाल हुजूर दा इत्थे कई एक बंदा मैनू फोन करके आया मौला मैं वो एक ड्रामा आया गाजी हो की अखे 500 किस्त मैं वेख लईए बड़ा चंगा काम मैं कीता मैं कहा तेनू बड़ा सवाब लभेगा मैं 500 किस अल्लाह दे बदया वक्त अपना तू सारा जाया कीता तू उन्हें तू वो वक्त कुरान पढ़न ते लांदा अल्लाह तेरे ते किन्ना राजी होंदा दरूद पढ़दा तू इस्तगफार करदा तू नबी पाक दीआं हदीसां पढ़दा अल्लाह तेरे ते किन्ना राजी होंदा अखे मैं 500 किस्त वेख लई भी सुभान अल्लाह चंगा बड़ा काम कीता तू और नहीं भाई जाना उधरा तवज्जो करना गौर करना मेरा नबी जो दे दे लह लैना है ते जिथों मेरा नबी रोक दे उथों रुक जाना है बाद आ जाना है तवज्जो करना गौर करना मेरे नबी दे सहाबा नूं हुक्म मिल गया अल्लाह दे रसूल दा हुक्म आ गए अल्लाह दा कुरान कहिंदा शराब नहीं पीनी सहाबा उत्थे ही रोड़ दी खत्म कर दी उधरा तवज्जो करना गौर करना है जिहड़ी मैं उहनां दी बयान करन लगा वा मेरिया मावा भैणा खसूसी तवज्जो नाल सुन लैन ते तुसी भी सारे मेरे बाप बड़ी तवज्जो नाल सुनिया जे अल्लाहु अकबर तवज्जो करना गौर करदे जाना मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने औरतां नूं हुक्म दिता इंज मेरे महबूब पैगंबर मस्जिद नबी दे दरवाजे ते खड़े ने इंज करके मेरे पाक पैगंबर की नज़र पई है मदीने के बाजार अंदर औरतां ते मर्द कट्ठे आ रहे कट्ठे चलते आ रहे हुजूर फरमाते ने या निसा ऐ औरतां दी जमात ऐ खवातीन गल सुनो ना मर्दां तो अलहदा होके चलिया करो मर्दां दी शाना बशाना होके नहीं चलना इहदे अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नबियु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने अल्लाह फरमांदे ने सुनिया ऐलान कर दियो ऐलान अपनियां बीवियां नूं भी कह दियो अपनियां बेटियां नूं भी कह दियो ते मोमना दियां औरतां नूं भी कह दियो 47 वाले अल्लाह कहिंदा 47 वालियां दियां बीवियां नूं भी दावत देनी है 45 वालियां दियां बीवियां नूं भी दावत देनी है पूरी दुनिया दियां खवातीन जिहड़ियां कियामत तक आणगियां सारियां नूं दावत देनी है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने महबूब सोणे अपनियां बीवियां बेटियां ते मोमना दियां औरतां नूं पैगाम दिओ अल्लाह दा जदों अपने घरों निकलन किसी मजबूरी दे नाल किसी परेशानी दे अंदर मगर ना अल्लाह फरमा रहे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल औला अल्लाह फरमांदे ने औरतो अपने घरां च रहा करो घरां दी चार दीवारी दे अंदर जिंदगी गुजारो ते बाहर जनाब निकलो तबर्रुज ना करिया करो तबर्रुज हार सिंगार सुर्खियां पाउडर मेकअप टिके ला के पजेबा पा के जनाब खुशबूवां ला के ते गंदे फिटिंग वाले कपड़े पा के बाजारां दी जीनत ना बनिया करो अल्लाह अकबर शादियां व्याहां ते ए वी बड़ा काम आउंदा जे हाजी साहब आप एक बेहतरीन जैसा जनाब कुर्ता ऐसा लिया के पे दे दे रहे नमाजी साहब ऐसा जनाब बेहतरीन किस्म का सूट लिया के पे दे दे रहे जिदे विचों जनाब कपड़ा ते बड़ा आउंदा है कीमत भी बड़ी आउंदी है पर धी का जिसम उन्हें टकिया नहीं जाता वो अल्लाह दे बंदे बाद आ जाओ बेहयाई तो बाद आ जाओ अल्लाह को अकबर इन गलों तो बाद आओ मेरे नबी ने मना फरमाया अल्लाह का कुरान प्यार है बीवी घर की चार दीवारी च रहना है हाँ मजबूरी बन जाए तुहानू कोई मसला बन जाए जाना पै जाए ना घरों बार अल्लाह जी मजबूरियां बन जाया कर दियां ने गमियां खुशियां ते जाना पै जाता है अल्लाह को अकबर अल्लाह फरमाते ने अगर जाना है तो फिर तबर्रुज नहीं करना हार सिंगार सुर्खियां पाउडर अज बीबिया अपने खामद वास्ते ते घट ही तैयार होंदिया ने पर जो जाना हो ना किसी दूजे शहर अंदर जाना हो बाजारों शॉपिंग करने वास्ते माजरब दे नाल गल सची पिया करना जो जाना हो ना शादी ब्याह ते इंज फब के जान गियां इंज सज के जान गियां जमाने का हर गुंडा इन्हां ते तबसरे पिया करदा होएगा जमाने का हर गंदा बंदा इन्हां दे अंग अंग ते तबसरे पिया करदा होएगा ओ मेरी मां भैन बाजार अंदर आया कर इंज आया कर वेखण वाला
आखें गैरतमंद बाप दी गैरत वाली बेटी जा रही है, इज्जत वाले भरा दी इज्जत वाली भैन जा रही है, हयावां वाले पुत्र दी हया वाली अम्मी जा रही है। अल्लाहु अकबर, इज्जत वाले शर्मा वाले मुकाम वाले ते अजमत वाले शौहर दी अजमत वाली बीवी जा रही है। इंज बला अंदर आ इस अंदाज दे नाल तबर्रुज नहीं करना, तबर्रुज नहीं करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमांदे ने सोने महबूबा युद्ध नहीं ना अलैहिन्ना मिन जलाबी बीन, अपनियां इन औरतों नूं कह दिओ ना जदों घरों बाहर निकलन ते अपने जिस्म नूं इक चादर नाल लपेट लिया करन, अपने वजूद ते चादर लह के निकलिया करन, एवें घरों बाहर नहीं आना। अल्लाहु अकबर, अपनी जीनत नूं जाहिर नहीं करके आना, इज्जत दे नाल निकलना, हया वाली चाल चलना। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, गौर करना, वो मेरी मां बहन गौर कर, जदों भी मजबूरी नाल घरों बाहर आए ते पर्दा करके निकली कर, ताकि गुंडा कोई तेरे जिस्म ते तबसले ना करे, कोई बदमाश तेरा पीछा ना करे, कोई गंदा बंदा जमाने दा। अल्लाहु अकबर, तेरी इज्जत दे दर ते ना हो जाए, गैरत वाली चाल चलनी है ते हया दा बुरखा पहन के आना। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, ऐ जड़ा लिबास पहने इहनू जनाब उतो लिबास पा के परदे दे नाल जनाब बुरखे दे नाल ढक लेना, अपनी जीनत जाहिर नहीं होण देनी। एक गल होर करां ते गल मुकावां, ओ मेरी मां भैण, अल्लाह ताला कुरान च बयान दे ने शौहर ते मियां बीवी एक दूजे दा लिबास होंदे ने। अल्लाहु अकबर, लिबास जिहड़ा कपड़े दा है ए भी पा के निकलना है, बुरखा पा के निकलना है, ते अल्लाह दी बंदी अपना लिबास जिहड़ा तेरा जनाब तेरा खावां दे ओनू भी घरों नाल लै के निकलना है। जदों बाजार जाना है कलिया नहीं जाना, अपने अबू दे नाल जाना है, अपने भाई दे नाल जाना है, अपने बेटे दे नाल जाना है, अपने शौहर दे नाल जाना है। अल्लाहु अकबर, घरों एवें नहीं फजूल निकल जाना, सारा सारा दिन बाजारें च फिर के नहीं आ जाना, ये गैरत वालियां बीबियां दे काम नहीं। अल्लाहु अकबर, बाएं से मजबूरी मामला बन जाया करते ने, मगर कोशिश कर अपने भरा नूं नाल लै के जा, खामत नूं नाल लै के जा। वह संताली वाले गल सची करा तुहाडे सामने, अगर साडियां बीबियां इन्हां चीज़ों का ख्याल करन, कदी अद्धी रात नूं लोर मोटर वे ते किसी की इज्जत ना लुटी जाए। मैनूं इमाम नाल दसो ना यार, उस बीबी का खामद उहदे नाल आउंदा, उहदा भरा उहदे नाल आउंदा, उहदा बाप उहदे नाल आउंदा, उहदा बेटा उहदे नाल आउंदा जवान। अल्लाहु अकबर, मैनूं दस ना कोई उहदी इज्जत किवें लुट जांदा, उह तेरा खामद मेरी भैण अपनी छाती गोलियां नाल छन्नी करा देंदा, तेरी इज्जत ते किसे नूं हमला ना करन देंदा, तेरा भरा अपने जिस्म दे टुकड़े करा लैंदा, तेरी इज्जत नूं दागदार बनाउण देंदा, तेरा बाप अपनी चिट्टी दाढ़ी पुटा लैंदा पर तेरी इज्जत ते हमला ना होण देंदा। अल्लाहु अकबर, ये मामलात बनदे ही उदों ने, ये फितने फैलदे ही उदों ने, ये जनाब औरतां लुटियां ही उदों जांदियां ने जदों मेरे नबी दे तरीके दी मुखालफत कीती जाए, मेरे पैगंबर दी मुखालफत कीती जाए। अल्लाह फरमांदे ने अन तुसीबहुम फितना, फितने च मुबतला कर छड्डांगा, मुसीबतां ते दुखां ते परेशानियां च मुबतला कर छड्डांगा। रवो ही मेरे नबी दे ताबेदार बन के, दुख दूर हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएंगियां। मेरे नबी ने आर्डर दे दिता है मदीना तैयबा के अंदर, हजूर फरमाते ने औरतों चाहिए परदा करके आ। अल्लाह का कुरान आंदा युद्ध नहीं अलैहिन्ना मिन जलाबीबीन, अल्लाह का कुरान आंदा अपने जिसम को ढक के आना है। अल्लाहु अकबर, उस रात सहाबा जड़े ने उन्होंने अपने घर के अंदर जाके अपनिया बीवियां अपनिया भैनों अपनिया मावं अपनिया बेटियां दरस दे दिता है। अल्लाहु अकबर, ते सारी रात मदीने अंदर बत्तियां जल्दियां रही, सारी रात मदीने के अंदर लाइटां जल्दियां रही, दीवे बलदे रहे। किसी पुछण वाले ने पूछा, रात मदीने अंदर रोशनियां बड़िया सन, बड़िया लाइटां चल रही सन, गल की है? ते दसण वाले दसिया, रात अल्लाह के नबी ने इशा की नमाज के वेले पैगाम दिता है, अल्लाह का कुरान आ गया है कि खवातीन घरों बाहर निकलन ते परदा करके निकलन, घरों बार आवन ते अपनी जीनत नूं ढक के बार आवन। ते सारी रात औरतां जिहड़ियां ने गुरबत बड़ी सी मदीने अंदर, सारी रात उन्हां बीबियां ने दीवे बाल के घरां दे विचों पुरानियां दीरां पुरानियां टाकियां पुराने कपड़े जमा कीते ने, उन्हां नूं गंढ ला ला के अपने बुरखे तैयार कीते, वड्डियां चादरां तैयार कीतियां। ओह बीबियां मेरे नबी दा फरमान सुन के फजर दी नमाज पढ़न वास्ते आईयां ने ते बुरखा करके आईयां ने, अपनी जीनत नूं ढक के आईयां ने। क्यों? अल्लाह दे नबी दा हुक्म आ गया, अल्लाह दे नबी दा आर्डर आ गया है। वमा आताकुम रसाबा, जानदे सन ना जो नबी कह देना है वह मनना पैना।
सुलह हुदैबिया दे मौका ते तुसीं मशहूर जमाना रवायत है मुशरिकीने मक्का जो आए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल गल्लां बातां तय होईआं ते आ ओह लिखिआ जा रिहा सी लिखिया भी मक्के दे फलां बंदे दे दरम्यान मक्के वालेयां दरम्यान ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरम्यान मुआहदा तय हो गया ते ओह जिहड़ा उहनां दा नुमाइंदा बन के आया सी ना कहण लगा जी इह की गल होई फरमाया की होया सारियां ते तुहाडियां मन लईआं कहण लगा जी ऐ तुसीं जो लिखिआ ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इह नहीं असीं मनदे असीं तुहानूं नबी मनदे ही नहीं असीं तो नबी मानते ही नहीं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो साहबा इहदे च तुहाडा हुण काहदा इतराज़ है उहने एक गल कीती सी जिहड़ी तेरे मेरे सीने ते दस्तक देंदी है उहने कहा जी असीं तुहानूं रसूल अल्लाह मान लईए ते फिर ते सानूं तुहाडियां सारियां मननियां पै जाणगियां जदों रसूल अल्लाह मान लिया तुहानूं ते फिर असीं किवें तुहानूं इनकार कर सकदे हां भी असीं उमरा नहीं करन देणा फिर असी तुहानूं किवें कह सकने आ भी इंज नहीं ते इंज होएगा इंज नहीं ते इंज होएगा जो रसूल अल्लाह मान लिया ते फिर ते सानूं तुहाडी तबाह करनी पैगी मुशरक नूं इस गल दी समझ है सी भी रसूल अल्लाह मान लिया ते फिर गल अपनी नहीं मनानी फिर रसूल अल्लाह दी मननियां पैणियां ते कलमा पढ़न वाले नूं जद्दी पुश्ती मुसलमानां नूं अज समझ नहीं आ रही भी नबी दा कलमा पढ़िया ते गल्लां रसूल दी मननियां पैणियां हुजूर तीन साहबा नाल ने अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक हजरत उस्मान ओहद पहाड़ ते चढ़े ओहद पहाड़ पता है किड्डा वड्डा 13-14 किलोमीटर दा वड्डा पहाड़ पत्थर है बेजान चीज है अल्लाह दे रसूल उत्ते चले पैर मारे ओहदे उत्ते ओह जिहड़ा उत्ते जा रहे सन ना ते ओहद पहाड़ हिलण लग पिया अल्लाह दे रसूल ने एड़ी मारी पर मैं उस ओहद इन्नमा अलैक नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान तेनू पता नहीं ओहद तेरे ते अल्लाह दा नबी सवार है सिद्दीक दो शहीद ने रुक जा ओहद पहाड़ फौरन रुक गया मैं दो साल पहले सवा दो साल पहले उमरा करने वास्ते गया मस्जिद नबी अंदर एक इंडिया दे शेख उत्थे जुहर दी नमाज दे बाद दरस देंदे सन ए हदीस बयान की थी तो रोन लग कहन लगे हो पाकिस्तानियों ओ इंडिया दे बासी उर्दू समझने वाले जिन्हें लोग बैठे हो मेरी गल सुन लो 6 साल हो गए ना मैं इत्थे बह के दरस देना रोजाना जोर वेले ऐ ओहद पहाड़ मेरे सामने जे ओहद पहाड़ मेरे सामने जे 6 साल तो इत्थे दरस दे रहा 6 साल मैं ओहद पहाड़ नूं हिलदिया नहीं वेखे उस तो पहले भी मुहद्दिसीन गुजरे ने बड़िया मैं किताबां पढ़िया जे मेरे नबी ने जदों ओहद पहाड़ दे उत्ते पैर मार के आखिया सी ना ओहद रुक जा ओहद दी जुर्रत नहीं दोबारा हरकत च आ गया होवे ओ 14 किलोमीटर दा लंबा चौड़ा पहाड़ ते पत्थर मेरे नबी आर्डर देने की जरूरत नहीं दोबारा हिल जाए ते 5 फुट दा जवान हो के तू दिने भी मेरे नबी की ना फरमानी करें ते रात भी कहना ना मने तेरे हर अमल दे अंदर मेरे पैगंबर दी मुखालफत होए और नहीं भाई इंज जन्नत नहीं लभनी मौलाना हाफिज़ इनामुल्लाह उस्मानी साहब हाफिज़ दुआ करो अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए काफ़ी बीमार ने साड़ी जमात दे बड़े अच्छे खतीब वो बड़ा प्यारा पैगाम देते हैं मैं पैगाम देव गल मुका सोनी उम्मत नबी मुहम्मद दी पई रस्ते केड़े जांदी है सुनी उम्मत नबी मुहम्मद दी पई रस्ते केड़े जांदी है सीधा छड़ के रस्ता जन्नत दा पई दोजख डेरे लांदी है सुनी उम्मत नबी मुहम्मद दी पई रस्ते केड़े जांदी है इना छड़िया कुरान हदीसानू सीने लाया रस्मा तेरी तानू ए भुल के आयता कुरान दियां पई दौड़े माये गांदी है सुनी उम्मत नबी मुहम्मद दी पई रस्ते केड़े जांदी है ए हो गई रब तू आरी ए दी मत शैतान ने मारी ए हो गई रब तू आरी ए दी मत शैतान ने मारी ए कंड करके रब दिया मस्जिदानू पई केबल उत्ते बांदी ए सुनी उम्मत नबी मुहम्मद दी पई रस्ते केड़े जांदी ए लाके शर्तां कबूतर उड़ांदे ने किते कुकड़ ते कुत्ते लड़ांदे ने लाके शर्तां कबूतर उड़ांदे ने
किते कुकड़ ते कुत्ते लड़ांदे ने, खेडण ताश ते पींदे शराबा ने, नहीं शर्म जरा भी आंदी है। ओ सोनी उम्मत नबी मुहम्मद दी पई रस्ते केड़े है जांदी है, सीधा छड़ के रस्ता जन्नत दा पई दोजक डेरे लांदी है। वमा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। शुरू तो लैके एंड तक दा इको ही दरस है मेरे भाई। अल्लाह दा हुक्म जे अल्लाह दा हुक्म बंदियां ते फर्ज होंदा है। अल्लाह कह रहे ने मेरा नबी जो दे दे ओ ले लेना, ते जिथों मेरा नबी रोक दे उथों रुक जाना, भलाई तुहाडी इहदे विच, मगर ना फिर अल्लाह तो डर जाओ। जेड़े मनणगे उन्हां दे बारे मैं दस दिता, युहिब्बुकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह प्यार भी करणगे, अल्लाह गुनाह भी माफ कर छड़णगे। ते जेड़े मुखालफत करणगे, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जिन्हां मेरे नबी दी मुखालफत कीती दुनिया च भी फितने च ते आखरत अंदर अज़ाब अलीम होएगा। अल्लाह को दुआ है जो सुनया सुनाया अल्लाह सानू सारे नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ बीमारां वास्ते, फौज सुजवान लोगों वास्ते, बिलखसूस इन्हां भाइयों वास्ते जिन्हां दी शादी का मौका है। अलहम्द